हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग आज के दिन की शुरुआत हुई फ्रेंड्स घर के काम करने के बाद बच्चों की क्रेविंग थी नूडल्स आज नूडल्स पे दिल आ गया था सबका तो नूडल्स बनाए और ये देखिए सारी सब्जियां कट पिट कर तैयार हो चुकी हैं कढ़ाई में जाने के लिए और बच्चों की ख्वाहिश थी कि आज नूडल्स बनने चाहिए तो मैंने कहा चलो मुझे भी क्रेविंग हो रही थी फ्रेंड्स तो मैंने भी उनका साथ दे दिया क्योंकि बच्चों की ही खुशी में अपनी खुशी है और ये सारे सामग्री कढ़ाई में डाल जा चुकी है ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा था जो कि मैंने ग्रेट करके बाद में डाल दिया था और सारी मसाले भुन चुके हैं सब्जियां और बाद में ये नूडल्स भी डाल दिए इसमें बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनके तैयार होने वाले हैं फ्रेंड्स कभी कभी इस तरीके का खाना भी खाना बहुत ही अच्छा लगता है और ये देखिए नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स बहुत ही कम सामान में आज नूडल्स बनाए थे और ये देखिए ये इस तरीके से इसकी मिक्सिंग चल रही है और ये दूसरे स्लॉट की थी और भर भर प्लेट सब ने आज नूडल्स ही खाए बहुत ही अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद बने थे आज नूडल्स तो बहुत टेस्ट टेस्टी लगे आज के नूडल्स खाने में और मुझे भी वास्ता में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और सवेरे की जो भूख होती है ना उसमें अगर कोई मस्त अच्छी चीज़ मिल जाए खाने को तो मज़ा ही आ जाता है और ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं नूडल्स सेकंड स्लॉट के फिर दोपहर को बना ली थी मसाला खिचड़ी और ये दही सब्जी आलू और लौकी की चटनी और ये थोड़े से ये कुरकुरे टाइप के मैंने चावल के बनाए थे तो ये फ्राई कर लिए थे क्योंकि खिचड़ी जब तक अपने साथियों के साथ ना खाई जाए मतलब पापड़ वापड़ और अचार वचार ना हो तो खिचड़ी का मज़ा ही नहीं आता है खाने में तो आज फ्रेंड्स ये बनाया था और उसके बाद एक वीडियो छोटा सा मैंने अपने अलग जो ब्लॉग में मैं डालती हूँ उसके लिए बना लिया था फिर किटी पार्टी जाना था तो मैं तैयार हो गई थी आज किटी पार्टी के लिए तबीयत आजकल ठीक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा मनोरंजन हो जाता है बाहर जाते हैं निकलते हैं तो महिलाओं को एक आज़ादी मिल जाती है कि चलो वो अपनी ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जी लेती हैं बाकी घर के काम और इधर उधर की बातों से अच्छा है कि अपना मनोरंजन कर लिया जाए तो हम लोग सब लोग अपनी किटी पार्टी में आ गए थे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट से किटी थी तो सारी हमारी जो फ्रेंड्स हैं हम लोग सब लोग आ गए थे कुछ कॉसिपिंग कुछ न्यूज़ कुछ चर्चा परिचर्चा इन सब करने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे और अब हौज़ी की बारी आ गई थी तो हौजी भी खेली हौजी के लिए पैसे कलेक्ट कर लिए थे हम लोगों ने फ्रेंड्स ज़िंदगी अगर जीना है तो आप कहीं ना कहीं आपको अपना इन्वॉलमेंट करना ही पड़ेगा अदरवाइज़ आप बोर हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग अपने किटी ग्रूप्स बनाए हुए हैं तो हम लोग चले जाते हैं निकल जाते हैं अच्छा लगता है फ्रेंड्स लोगों से बात करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं एक दूसरे की बातों को देखते हैं फिर आज आ कर के मुझे बनाना था बासेरा क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे दिन शीतलाष्टमी की पूजा होनी थी तो ये कुछ सब्ज़ी मेरी दोपहर की भी पड़ी हुई थी और मैंने आलू मठा बना लिए थे जीरे में छोंक कर कुछ आलू उबाल लिए थे और पूड़ियाँ सेंक ली थी फिर दूसरे दिन पूजा करने हम पहुँच गए थे अपने जहाँ हमारे मुख्य घर में पूजा होती है वहाँ हम लोग सब लोग पहुँच गए थे और ये देखिए आरती वारती सब हम लोगों ने कर ली थी उसके बाद पूजा संपन्न होती है फिर उसके बाद कहानी होती है कहानी के बाद हम लोग कोरा अपने लेते हैं आज के दिन आज से अठवाई और कोरा बनाए जाते हैं और जो कि हम लोग फिर पूजा के बाद अपनी गोदी में रखते हैं और हमने भी ये सब जो होते हैं रिचुअल्स ये सारे रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि साल में ये चार पूजा होती है शीतला अष्टमी की चैत बैशाख और जेठ असाड़ और ये देखिए सारे पट्टे पर हमारी आँसें अठवाई रखी रहती हैं और जैसे जो कोई नहीं बना पाता है तो वो पेड़ों से पूजा कर लेता है और ये देखिए आरती हो रही है फ्रेंड्स हम लोग आरती भी गाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है साल भर में चार दिन ये पूजा करनी पड़ती है और एक दिन रात में पहले से बस बासा खाना बना लेते हैं जिसे हम लोग बासी बोलते हैं और ये सब कुछ पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग ने अपनी अपनी आँसें अपनी अपनी गोदी में ले ली थी आसें लेकर के फिर हम लोग सुहाग लेते हैं उसके बाद हम लोग आज मंदिर भी जाते हैं फिर सारे मंदिरों में जा कर के वहाँ पर भी अफवाई उतम चढ़ाई जाती हैं जिससे देवी माँ प्रसन्न रहें और ठंडा ठंडा हम लोगों को रखें सालों भर क्योंकि इससे जो फूड़े भुंसिया और जो छोटी माता या बड़ी माता ये मिजिल्स वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं निकलती हैं इनका प्रकोप शांत रहे आज के दिन इस पूजा में नीम का महत्व ज़्यादा रहता है ये घट भरा जाता है और छोटी छोटी गोबर से वो बनाई जाती हैं गोल गोल उसमें हम लोग तौर पर आज चने रखते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स आज चनों का विशेष महत्व रहता है हमारी पूजा में अब उसके बाद हम लोग तैयार हो गए थे अपनी अपनी आँस से गोदी लेकर हम मंदिर पहुँच गए थे ये बड़ी देवी माँ का मंदिर है यहाँ पर हम लोगों का जाना ज़रूरी रहता है और हम लोग यहाँ पे जाकर के नतमस्तक होते हैं और माता से क्षमा याचना करते हैं विनती करते हैं कि हमें बारह महीने ठंडा रखें और हमारी संतान को हमारे घर के लोगों को सबको ठंडा रखें शीतला माता की पूजा का यही महत्व रहता है बड़ी देवी मंदिर के बाद वहाँ पर भी हम लोग एक छोटी सी पूजा करते हैं वहाँ भी कथा कहानी कहते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है फिर हम लोग ये दूसरे मंदिर आ गए थे इन्हें हमारे यहाँ खोखो मैया का नाम दिया जाता है इनकी पूजा करने से कहते हैं कि खांसी वासी का सर्दी का प्रकोप नहीं होता है फिर ये हमारे बिहारी जी का मंदिर और बब्बा जी का मंदिर बहुत ही आस्था और विश्वास का एक प्रतीक है मंदिरों से बहुत अच्छी वाइब्स आती है एक पॉजिटिविटी आती है आप पूजा अर्चना करते हैं फ्रेंड्स मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे ये पूजा बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत ही उत्साह के साथ ये पूजा करती हूँ और फिर आज ये घर पर नई टीवी लग रही थी नीचे लगी थी ये नई टीवी तो उसके बाद मैंने अपने रूम में ये टीवी को रिप्लेस करवा लिया था छोटी को नीचे वाले कमरे में पहुँचा दिया था और ये फ्रेंड्स देखिए नई टीवी लग रही थी नई तो नहीं है ये बहुत पुरानी टीवी है लेकिन मेरे कमरे में आज मैंने ये नई टीवी अपनी फिट करवा ली और बच्चे भी हेल्प कर देते हैं काफ़ी इसमें वो भी बेचारे बहुत बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में काम करते हैं क्योंकि अभी वो फ्री हैं उनके टेस्ट वेस्ट हो चुके हैं बस अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं इस तरीके से आज ये मेरी एंड्रॉयड टी लग गई उसके बाद टीवी लगने के बाद बड़े बेटे ने आज बेल का शरबत बना के पिलाया बहुत ही टेस्टी था बेल का शरबत पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्वाच्य होता है इससे आपके पेट की सारी परेशानी दूर हो जाती है अगर ये खाली पेट सेवन करते हैं तो और उसने तो पूरी दुकान ही फैला के रख ली थी अब ये देखिए ये मुझे पीना है ये शरबत टेस्ट करके कि कैसा बना है घर में बेटे होते हैं तो वो काफ़ी कुछ हेल्प कर देते हैं दोनों जन अब वो परीक्षा देकर फ्री हैं अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और ये देखिए मैं इंजॉय